आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ भी आपका काम ठीक नहीं चल रहा है और व्यभिचार की स्पिरिट बहुत परेशान करती है, या मन में गलत और गंदे विचार आते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, वचनों में मन नहीं लगता है, आराधना में मन नहीं लगता है, चर्च नहीं जा पाते हैं, और बोने के लिए आपके पास बीज नहीं है, जेब भी खाली पड़ी है, और घर वालों का भी प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, घर वालों ने घर से निकाल दिया है, या हमारे खुद के लोग हमारे अगेंस्ट में हैं, या कोई बुरी बातें, या कोई भी ऐसा पाप जिसके कारण आप परमेश्वर के वचन से या उसकी उपस्थिति से दूर हो रहे थे, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत टूट और पिस गए हो और आप बहुत बिखर से गए हो, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, खाने के लाले पड़े हैं, या कुछ आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे स्पिरिचुअली है, चाहे मेंटली, चाहे सोशली है, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे घर का है, बाहर का है, कोई भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है, एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक परीक्षा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, आपनों ने छोड़ दिया, यीशु मसीह में आने के बाद भी और दुख, इतनी सारी समस्याएं, कोई समाधान नहीं है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, और मैं प्रार्थना करूँ तो कैसे करूँ, इतने सारे पाप हैं, बुराइयाँ हैं, दोष लगाना है, अपने फैमिली वाले भी अगेंस्ट में हैं, वो लड़ाई करते हैं, और मैं प्रार्थना जैसे नहीं कर पाता, मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं मिलता है, और मुझे फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, मैं आशीष कहाँ से पाऊँ, जेब भी खाली पड़ी, किसी को देने के लिए नहीं है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, कुछ खरीदने के लिए नहीं है, और मम्मी पापा को देने के लिए नहीं है, और जॉब नहीं मिल रही है, और घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं, पापा ऐसे काम करते हैं और मम्मी को समझा समझा के थक गए हैं, और भाई बहन मानते नहीं हैं, और आपस में लड़ाइयाँ इतनी है, मनमुटाव है, बुराइयाँ हैं, दोष लगाने वाली बातें हैं, कमी निकालने वाली बातें, लेकिन करना नहीं चाहते, ये सब फिर भी होता है, बार बार यही चीज़, सेम कॉपी पेस्ट दोबारा से, रोज़ाना जब अपना दिन शुरुआत करते हैं फिर से कोई ना कोई समस्या। ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि किसी ने मूर्ख बना दिया, मसीह में आने के बाद भी ऐसा लगता है कि सच में मूर्ख बना दिया, और परमेश्वर भी अब हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, और हर जगह से दुष्ट के जलते हुए तीर थे, और हर प्रकार की समस्याएं जिसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, और ऐसा लगता है कि अब मैं चंगा कैसे होऊंगा, इस आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से मैं चंगा कैसे होऊंगा, रिपोर्टें भी बिल्कुल गलत आ रही थी, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई प्रार्थना भी कर नहीं रहा है हमारे लिए, कोई हमारा दुख सुख भी नहीं पूछ रहा है, कोई हमारे घर में भी प्रार्थना के लिए नहीं आ रहा है, और ना ही हम बाहर जा पा रहे हैं, कोई हमारे लिए प्रार्थना करे तो करे कैसे करे, और हमारे लिए जीवन में प्रार्थना अगर कोई करे तो वो पूरी कैसे हो, हम आशीष कैसे पाएं, बिल्कुल कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से सारे के सारे दरवाजे बंद हैं, बिल्कुल खाली खोखलापन सा लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी नाकामयाबी है, ऐसा लगता है किसी ने मुझे मूर्ख बना दिया, और मेरे अपने भी मुझसे दूर हो गए, मसीह में आने के बाद इतनी सारी समस्याएं क्रिएट हुई जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जान दूँ या सुसाइड करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरे बहनों, चाहे आप छोटे चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, ये एक परीक्षा है, रुको मत, दृढ़ हो जाओ, अपने माथे को दृढ़ करो, स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि परीक्षा के बाद ही ना, परीक्षा के बाद इंसान खरा निकलकर एक सेट एग्जाम्पल बनता है दूसरों के लिए, क्योंकि एक टेस्ट के बाद ही टेस्टिमनी बनती है, और इसके दो कारण हैं। सबसे पहला ये है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जिसको पुत्र बनाता है, उसकी ताड़ना भी करता है और कोड़े भी लगाता है, क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है कि उसके बच्चे गलत राह पर ना जाएं। और दूसरा कारण ये है कि एक मनुष्य अभिलाषी होने के कारण वो अभिलाषा में फंस कर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जनती है, और पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती है। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है और लेकिन पाप से नफरत करता है, और जब तक आप लोग एग्जाम नहीं दोगे तब तक आप नेक्स्ट क्लास में और आप प्रमोशन में नहीं जा सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक एग्जाम ही हमें टेस्ट करके एक नई गवाही देता है, क्योंकि एक टेस्ट के बाद ही इंसान की टेस्टिमनी बनती है, जब तक इंसान परखा नहीं जाता है तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है, अगर वो परखा जाएगा और परख में वो खरा निकला तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। और जीवन में परख क्यों आती है? परख इसीलिए आती है, जैसे कि अभी आपको बताया, एक तो है पाप का कारण अभिलाषी होने का, और दूसरा है परमेश्वर अपने लोगों को परखता है, क्यों? जैसे उदाहरण के तौर पर परमेश्वर अगर आपको परख रहा है तो आपको वो खरा सोना बना रहा है, आपके सामने ऐसी परिस्थितियों को इसीलिए लेकर आ रहा है ताकि आप जब इस परख में खरे निकलोगे और स्थिर निकलोगे और मजबूत निकलोगे, और आप जब इनाम पाओगे इस परख में परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर आपका इज्जत मान सम्मान तो बढ़ाएगा ही, वरन जब आपकी गवाहियां लोग सुनेंगे, क्योंकि एक टेस्ट के बाद ही टेस्टमनी बनती है, जब आप परखे जाओगे उसके बाद ही आपका लेवल बढ़ पाएगा, आप अपनी ज़िंदगी का अनुभव देकर दूसरों को समझा पाओगे, और जब लोग आपके बारे में सुनेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा, कई लोग ऐसे होंगे कि जो लोग विश्वास में
भटक गए थे या गिरने वाले थे या टूटने वाले थे, जिनका मन बहुत टूट टूट कर पिस गया था और जो छोड़ने वाले थे प्रभु को, वो लोग नहीं छोड़ेंगे आपकी गवाहियों को सुनकर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कई सारे अभिषिक्तों के बारे में हमने ऐसी गवाहियां सुनी है जिनको सुनकर हमारा बहुत साहस बढ़ाया और हिम्मत मिली और परमेश्वर ने हमें जय भी दी है और हमें एक सेट एग्जाम्पल बनाया है दुनिया के लिए, अन्य जातियों के लिए, मसीह लोगों के लिए कि हाँ परमेश्वर के इस दास ने कि इतनी सारी समस्या आने के बाद भी ये परमेश्वर की परीक्षा में खरे निकले। और जब आप टेस्ट से बाहर निकलोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परमेश्वर आपको ऊंचा ना उठाए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा जरूर उठाता है और उसने, उसका वचन कहता है कि उसने आपको सिर ठहराया, पूछ नहीं, हमेशा ऊपर रखा है, नीचे नहीं। और जब तक आप एक एग्जाम को पास नहीं करोगे तब तक आप दूसरी क्लास में नहीं जा सकते, आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, एक टेस्ट होना जरूरी है। अगर आप अच्छे सेवक बनना चाहते हो, अच्छे मसीह के बच्चा बनना चाहते हो और परमेश्वर की सेवा अच्छे से करना चाहते हो, परमेश्वर की सच्चाई खराई पवित्रता में चलना चाहते हो, तो वचन को जानने के कारण, वचन को सीखने के कारण मनुष्य के जीवन में परख एक टेस्ट होता है। तो उसमें खरा कैसे निकलना है? जैसे परमेश्वर के लोग खरे निकले, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। लिखा है कि दूध पिलाने वाली तेरी माँ तुझे छोड़ देगी, तेरे बाप तुझे छोड़ देगा, हर कोई तुझे छोड़ देगा, अपने भी तुझे धोखा दे देंगे, जिस पर तूने भरोसा रखा था एक टाइम पे वो भी दरवाजे बंद कर देगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने पहले ही जानता था ये सारी बातें। जब भी उसने कहा था कि देख मैं तो ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वरन जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। और वो कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा और जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। कब देगा परमेश्वर? लिखा है, उसका वचन कहता है यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, जो पवित्र बाइबल हमारे पास है, हमें इसको अपने सीने से लगाकर रखना है, इसकी पूजा पाठ नहीं करनी है, मतलब वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है कि हर एक सिचुएशन परिस्थिति में प्रभु का वचन हमें संभाल कर रखता है, कि दुख के समय में परमेश्वर हमसे क्या कहता है, जब हम दुख में होते हैं या बीमारी के समय में या घटी के समय में या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो उस समय परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय पर, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशंस में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं, हम वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं, हम वचन को अच्छे तरीके से सुनते भी हैं और उसको पढ़ते भी हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती है, हमारे मुंह से कुछ ऐसे गलत शब्द निकल जाते हैं जिसके कारण हमारा अभिषेक भी खराब हो जाता है और हम आशीष भी खो देते हैं और हम अपनी बुद्धि और अपने शब्दों को लगाकर उस परिस्थिति को ठीक भी नहीं कर पाते, वरन और बुरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि हम अपने मन में ना परमेश्वर के वचन को रख कर नहीं छोड़ते, वरन उस पर चलते भी नहीं है। लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। मतलब ध्यान रखना है हमें वचन के अनुसार ही जो कुछ भी करना है परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। अगर मुंह खुले तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए खुले, माफ करने के लिए, प्रेम करने के लिए, दया करने के लिए और आशीष के लिए निकले, ठीक है? हमारे शब्द हमेशा सिर्फ आशीष के लिए ही निकले, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के साथ रहा है। ये जो आपकी परीक्षा है ना, परमेश्वर इससे आपके बहुत कुछ सिखाना चाहता है, क्योंकि आपका लेवल बढ़ने जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और वो बढ़ेगा जब ही जब आप परीक्षा में स्थिर रहोगे। अगर स्थिर रहोगे तो जीवन के मुकुट को भी पाओगे, वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब आपको मालूम होगा, आप अय्यूब की भी एक परीक्षा हुई थी और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता, वरन परीक्षा से निकलने का एक मार्ग भी बताता है। आपको मालूम होगा कि मनुष्य दो प्रकार से परीक्षा में फंसता है। पहला कि इंसान जब अभिलाषी होता है तो वो अभिलाषा के कारण पाप में फंसता है और अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जनती है। उदाहरण के तौर पर आपको मालूम होगा कि शिमशोन के साथ क्या हुआ था। परमेश्वर का नाजीर था लेकिन कुछ ऐसी बातें उसके जीवन में आई और उसको किसी से प्रेम हुआ और जिससे वो प्रेम हुआ तो उसको धोखा मिला क्योंकि वो अभिलाषा में गिर चुका था। और अडल्ट्री, जिससे परमेश्वर नफरत करता है, व्यभिचार, तो उससे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसके कारण लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया और वो खुद तमाशा बन गया। कहां उसने शेरों को और भालू को फाड़ डाला था, शेरों को यूं ही मार देता था, बड़े बड़े रथों को यूं ही उठाकर फेंक देता था, उसमें इतनी ताकत थी। परमेश्वर का चुना हुआ था, नाजीर था, लेकिन अभिलाषी होने के कारण उससे पाप हुआ
और पाप के कारण उसकी जान चली गई। लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया, उसकी आंखें फोड़ दी, वो दूसरों के लिए तमाशा बन गया। कहां वो दुनिया का तमाशा करता था, हजारों को उसने यूं ही मारा था गधे की जबड़े की हड्डी से, लेकिन वो आखिरी में खुद तमाशा बन गया। क्यों? अभिलाषी होने के कारण। क्यों? क्योंकि पाप जीवन में आ गया था। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। जैसे यीशु ने उस रोगी को कहा था, देख तू चंगा हो गया है लेकिन फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ इससे भी बुरा हो। और यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से भी कहा था, जा तेरे पाप क्षमा हुए लेकिन फिर पाप ना करना। क्योंकि यीशु पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। पाप से नफरत करता है इसीलिए वो परमेश्वर पवित्र है। लिखा है कि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। अगर वो पवित्र नहीं है ना, अगर वो अपनी आज्ञा का, अपने वचन का खुद पालन नहीं करता है, तो वो परमेश्वर है ही नहीं। जबी तो उसका वचन कहता है कि उसका एक एक वचन ताया हुआ है और धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो ईश्वर नहीं है कि अपनी इच्छा बदले, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। अब एक कारण आपको बता दिया है जो पाप वाला था, और दूसरा कारण वही है कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है। जैसे कि आपको मालूम होगा अय्यूब के बारे में लिखा है, पहला अध्याय उसकी छठी आयत में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते आता और डोलते डालते आता हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास, मतलब परमेश्वर एक गवाही दे रहा है शैतान को, क्या तू मेरे दास को तूने देखा है? लिखा है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं है, और कोई है ही नहीं। तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? मतलब शैतान बोल रहा है कि परमेश्वर तू उसको आशीष देता ना, इसलिए तो तेरा भय मानता है, इसलिए तो बुराई से बैर करता है। और शैतान ने यह भी कहा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मतलब शैतान को पता है कि शैतान उसको छू नहीं सकता है अय्यूब को। और क्यों नहीं छू सकता है? क्योंकि यहोवा का उसने भय माना है और परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करता है अय्यूब, इसीलिए शैतान उसको नहीं छू पाया। तो शैतान परमेश्वर से कहता है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी बुराई करेगा, तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, मतलब अब परमेश्वर शैतान से कह रहा है कि सुन, जो कुछ उसका है ना वह सब तेरे हाथों में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। मतलब परमेश्वर ने स्वयं बोल दिया, छाती पीट कर साफ बोल दिया कि जा तू परख ले मेरे बेटे को, वो परख में खरा ही निकलेगा। तू चाहे कितना भी उसको परेशान कर, चाहे तू कुछ भी कर ले, लेकिन वो मेरी बुराई और निंदा नहीं करेगा। क्या अय्यूब से बड़ी किसी और की परीक्षा हो सकती है? बहुत मुश्किल, नामुमकिन बात है। लिखा है, एक दिन अय्यूब के बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधैया उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था, मतलब उसको एक के बाद एक वो बुराई की एक खबरें मिलती जा रही थी, और अय्यूब उसके अंदर बहुत दुखित होता गया। उसको लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये सारे सुसमाचार मिले जो बहुत दुखद भरे थे, जिसमें उसका सब कुछ नाश हो गया था। और लिखा है कि वो पहला सेवक अभी कह ही रहा था, इतने में दूसरा और आ गया और कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ अय्यूब, इस बात का ध्यान रख। और इतने में दूसरा भी कह ही रहा था, तो तीसरे ने भी बोल दिया, तीसरा भी वहां पर आया कि लिखा है कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। मतलब तीसरे सेवक ने अपना समाचार देने का खत्म ही करा था, इतने में चौथा सेवक और आ गया। वो भी कहने लगा कि वह भी कह ही रहा था, इतने में एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे और बेटियां और तेरे भाई के घर में वो सब खाते पीते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ अय्यूब। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़कर सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, कि और परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया और उसी ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है।
इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर के विरुद्ध में उसने कोई गवाही दी और ना ही परमेश्वर के साथ उसने कोई युद्ध लड़ा और ना ही परमेश्वर पर उसने मूर्खता से दोष लगाया। इस बात का ध्यान रखना, उसने अपने जुबान की चौकसी की, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसको बोला। लिखा है दूसरा अध्याय 9वीं आयत में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जा तो मर जा। मतलब उसकी पत्नी भी उसके विरोध में हो गई और परमेश्वर की निंदा करने के लिए कह रही है। कई कई बार हमारी ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि हमारे अपने लोग भी हमारी इतनी बुराइयां करते हैं। बोलते थे कि भाई तू तो परमेश्वर पे विश्वास करने वाला है, क्या तेरी वो प्रार्थना नहीं सुन रहा है? अगर सुनता है तो वो उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? तेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है? तेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? तेरे आंसू को क्यों नहीं पूछ रहा है? तेरे घाव को चंगा क्यों नहीं कर रहा है? तुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है? तू दूसरों के आगे हाथ क्यों फैला रहा है? तेरे घर में सुख शांति क्यों नहीं है? मतलब शैतान ऐसे जलते हुए तीर फेंकता है, चाहे अपनों के द्वारा चाहे पराए के द्वारा। कभी कभी तो ऐसा होता है किसी को जानते नहीं है, उसके द्वारा भी बातें हो जाती थी, लेकिन परमेश्वर इन बातों में परखता है कि चलो कोई बात नहीं, शैतान ने इसके द्वारा काम किया। क्या इसके द्वारा काम करने के कारण क्या मेरा बेटा क्या मेरे विरुद्ध में झूठी गवाही देगा? क्या मेरा बुरा भला कहेगा या नहीं कहेगा? या चुप्पी लगाकर चुपचाप सहेगा चाहे कोई कितना भी कह रहा है? तो अय्यूब ने यही किया। अय्यूब ने चुपचाप सहा और अय्यूब ने अपनी पत्नी को यह जवाब भी दिया। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री किसी बात क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मतलब परमेश्वर ने जो अपने बेटे के अपने दास के बारे में गवाही दी वो सच्ची थी। क्यों? क्योंकि उसका दास बिल्कुल खरा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध में गवाही नहीं दी, ना ही दोष लगाया। और आज हम क्या करते हैं, अगर हमें थोड़ी देर के लिए आशीष ना मिले ना, अगर हमारी पेमेंट रुक जाए और अगर घर में कोई भी हमारे विरोध में खड़ा हुआ था या कोई भी ऐसी परिस्थिति बने, या चंगाई ना मिले या छुटकारा ना मिले या नौकरी बिजनेस धंधा रोजगार ना मिले या कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई सक्सेस ना मिले, या बार बार फेल हो रहे थे, या घर में लड़ाई दंगे थे, या टूटे रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे, या किसी प्रकार से किसी शैतानी आत्मा से या व्यभिचार से बुराई से और हर प्रकार के पाप से हम छुटकारा नहीं पा पा रहे थे, तो परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं हम कि परमेश्वर तेरे होते हुए भी तेरे पास आने के बाद भी इतनी सारी समस्या सहनी पड़ेंगी, इतनी सारे दुख सहने पड़ेंगे, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या तू ये नहीं कर सकता? क्या तू वो नहीं कर सकता? क्या तेरे बस की नहीं है? बहुत सारी बातें हम उसे बहस करने लग जाते हैं। जिसने हमें अपने हाथों से बनाया उसे बहस करने लग जाते हैं, लेकिन कभी हम उसकी योजना को समझ नहीं पाते कि वो हमें परख रहा है और वो हमें स्थिर कर रहा है। और कभी कभी तो हम अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में फंसकर पाप को जन्म देते हैं और बुरी बुरी बातें करते हैं, दोष लगाते हैं, बुराई करते हैं, कमी निकालते हैं, परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन अपने बारे में इंसान जांच पड़ताल नहीं करता कि मैंने पाप किया इसीलिए मैं परीक्षा में पड़ा। दो तरीके से परीक्षा आती है, इस बात का ध्यान रखना। बिना सोचे समझे कभी अपने परमेश्वर पर दोष मत लगाना। पता है अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने जब अपना सब कुछ खो दिया तो उसकी एक और परीक्षा हुई। अय्यूब को सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक छाले और फोड़े हो गए। शैतान ने इतना गंदा काम करने की कोशिश करी कि अब तो अपने परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन फिर भी उसने निंदा नहीं करी। और खाट में डाल दिया था उसको, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से निंदा नहीं करी। उसने क्या करा? उसने अपने जन्म दिवस को धिक्कारना शुरू कर दिया, कोसना शुरू कर दिया। अगर आप अय्यूब का तीसरा अध्याय पढ़ोगे ना, तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए कि उसने अपने परमेश्वर की 1% भी निंदा नहीं करी। उसने अपने आप को श्राप दिया, अपने आप को कोसा, अपने आप को बुरा और गलत कहा। अपनी माँ के गर्भ के अंदर जब वो पड़ा था उस तक को भी, मतलब माँ को नहीं बोला, वरन अपने आप को उसने इतना कोसा, मतलब अपने बचपने तक को कोसने लगा, अपने बुढ़ापे तक को कोसने लगा, इतनी सारी बातों को कोसने लगा कि जब इसको पढ़ोगे तो सच में आप हैरान हो जाओगे कि उसने इतना सच्चाई खराई पवित्रताई में होने के कारण, और उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठाई। वो चाहता तो बोल सकता था कि प्रभु मैं तो तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, देख मैं बुराई से बैर रखता हूँ, तेरा भय मानता हूँ, तेरी सीधी इच्छा को पूरा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों हुआ? उसने तब भी उंगली नहीं उठाई। लेकिन जब हम पाप में गिरे पड़े रहते हैं ना, पाप में गिरने के बाद भी जब अगर हल्का सा हमारे सामने कोई समस्या आती थी या टेस्ट आता था, तो हम तुरंत से मतलब कुड़कुड़ाकर बुड़बुड़ाकर खुदा को दोष लगाते, बुराई करते, कमी निकालते हैं कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, कि तेरे पास आने के बाद भी ऐसे ही मिलता, उसको धमकियां देते हैं, उसको रिश्वत देते हैं, प्रभु ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर दे। हम कभी उसको समझ ही नहीं पाए, सच्चाई तो ये है, हम उसको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। अरे याद करो एक बार यीशु को, क्या यीशु की परीक्षा नहीं हुई थी? यीशु के सामने भी शैतान आया था और लिखा है कि यीशु की जब परमेश्वर ने गवाही दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, यीशु को परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा तो उसकी ताड़ना भी की। 40 दिन तक परीक्षा हुई यीशु की, शैतान ने भरमाया, यीशु भूखा प्यासा रहा, निराहार रहा, और शैतान ने बार बार भरमाया, लेकिन यीशु ने अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यीशु जानता था कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा। और शैतान ने कई बार भरमाया, शैतान ने कहा कि इस पत्थर को बोल दे रोटी बनने की आज्ञा दे, तू तो परमेश्वर का
पुत्र है तो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब शक डालने की कोशिश कर रहा था। शैतान कभी कभी वचनों के द्वारा भरमा देता था, लेकिन यीशु ने आत्मा और वचन से भरा हुआ था, तो यीशु ने भी उससे कहा, तूने कहा है ना लिखा है, तो ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान ने बार बार यीशु को कहा कि लिखा है लिखा है लिखा है, शैतान भरमा रहा था, लेकिन यीशु भी बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण था। उसने ना तो शैतान पर दोष लगाया, ना तो उसने अपने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया, ना तो उसने अपने ऊपर शक किया, ना ही उसने अपने परमेश्वर की सामर्थ पर शक किया, ना ही उसने अपने पुत्र होने पर शक किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि शैतान ने कहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर दे वो कर दे। तो फिर भी यीशु परीक्षा में स्थिर रहा, लेकिन लिखा है कि जब शैतान हार गया, यीशु परीक्षा में स्थिर रहा और यीशु परीक्षा में जयवंत हुआ, तो शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे, और उसके बाद यीशु के द्वारा परमेश्वर ने पहला चमत्कार काना के गलील में किया। मतलब एक टेस्ट के बाद एक टेस्टिमनी बनती है। पहले शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था, क्योंकि लिखा है कि आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि शैतान मतलब इबलीस से उसकी परीक्षा कराए, और वो जब परीक्षा में बिल्कुल खरा निकला, यीशु मसीह बिल्कुल प्योर और परफेक्ट निकला, तो उसके बाद स्वर्गदूत आकर सेवा टहल करने लगे, लोगों को चिंता होने लगी यीशु मसीह की, और लोग भगे भगे दौड़े दौड़े आए यीशु के पास और उस जीवन के जल के सोते के पास आए, उससे तृप्त होने लगे और यीशु की बातें अच्छी लगने लगी, यीशु की चंगाइयों को देखकर जो यीशु के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रभु ठहराया और दाहिने हाथ पर बिठाया और अधिकार दिया। क्यों दिया? क्योंकि यीशु परीक्षा में परफेक्ट निकला और सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया, ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर। और यीशु को परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया, और यहां तक कि स्वर्ग में उसको प्रभु भी ठहराया। लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, और यहां तक कि उसकी महिमा भी की है पिता ने। तो पिता क्या आपकी और हमारी महिमा नहीं करता है? लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है, पिता उसका आदर करता है, उसकी महिमा करता है। यीशु परफेक्ट निकला इस परीक्षा के अंदर। और जब अब्राहम के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर की वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, और उसको उसकी उम्र आपको पता है कितनी थी? अब्राहम 90 या 99 वर्ष का था, उसकी पत्नी का भी मासिक धर्म बंद हो चुका था कि वो गर्भवती नहीं बन सकती थी, क्योंकि उसकी पत्नी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, परमेश्वर ना उम्मीदी में उम्मीद का परमेश्वर है। लोग चाहे कुछ भी कहें, कितना भी दिखाए, नहीं हो सकता, चाहे डॉक्टर भी बोल दे, तो भी परमेश्वर हमारा क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। एक टाइम पे डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है ना, तो वो भी यही कहता है कि दुआ प्रार्थना करो, एंड मौका भी वो भी घुटने पे आकर खुदा का धन्यवाद करता है, लास्ट में वो भी खुदा के आगे घुटने टिकाता है कि प्रभु तू बचा सकता है क्या, तू ही बचा सकता है। तो अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उस उम्र में भी आशीष दी, और आज तक हम अब्राहम की, इसहाकी और याकूब की संतान कहलाए जाते हैं। इतनी बड़ी आशीष दी, क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में खरा निकला और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और आपको मालूम होगा एक और परीक्षा हुई थी उन 25 लाख इसराइलियों के आसपास जो लोग थे जिनको मूसा के द्वारा परमेश्वर ने निकाला था। क्या मूसा की परीक्षा नहीं हुई थी? आपको मालूम होगा मूसा के बारे में कि मूसा की भी परीक्षा हुई। 40 वर्ष तक वो राजघराने में रहा, और परीक्षा उसकी जब हुई, जब वो वहां से परमेश्वर ने उसको निकाला, राजघराने से निकाला, उसको लेकर निकालने के बाद परमेश्वर उसको रेगिस्तान सी जगह पे लेकर आया, और किसी के घर में काम करता था। मूसा भेड़ बकरियां चराता था, मतलब एक दास और एक नौकर बनकर रहने लगा, घर जमाई बनकर रहने लगा, और इतना सब कुछ मूसा ने सहा। मूसा की उम्र हो चुकी थी लगभग 80 साल के आसपास, और इतना खतरनाक उसका टेस्ट हुआ, फिर भी परमेश्वर ने उसकी बुलाहट को उसके जीवन में पूरा किया और उसको खरा बनाया। मालूम है आपको परमेश्वर ने मूसा के बारे में क्या गवाही दी? कहा कि मूसा के समान पूरी पृथ्वी भर में दीन और नम्र कोई नहीं मिला मुझे। और परमेश्वर ने मूसा को दीन और नम्र किया, क्योंकि जब वो राजमहल में रहता था तो एक राजा वाला जीवन जीता था, और लोग उसकी सेवा टहल करते थे, और वो अधिकारी था, एक उसके पास सारे अधिकार थे। तो परमेश्वर ने उसको कहां से कहां पर लेकर आया? पहले वो घोड़ों पर चलता था, परमेश्वर उसको रेगिस्तान में नंगे पैर और ऐसी परीक्षा में उसको लेकर आया। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं वीडियो का लिंक नीचे दे सकता हूं, आप उसको जरूर सुनना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। और परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया, उसी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा तैयार किया, चाहे भले ही उसको 40 वर्ष के आसपास लगे उसके टेस्ट में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसके द्वारा बहुत बड़ा काम लेना था, यह नामुमकिन था, परमेश्वर ने मुमकिन करके दिखाया। और 25 लाख से ज्यादा इसराइलियों को परमेश्वर ने सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, वो मूसा के द्वारा निकलवाया, उस फिरौन की सेना के चंगुल से छुड़वाकर आजाद करवाया परमेश्वर ने उस मूसा के द्वारा। क्यों? परमेश्वर ने उसका टेस्ट इसीलिए किया था क्योंकि आगे चलकर इसको बहुत बड़ा काम करना है, इसीलिए उसको टेस्ट इतना बड़ा और भयंकर हुआ था, और उस टेस्ट में भी परमेश्वर उसके साथ था।
और आज तक हम मूसा की गवाही को सुनते हैं, मूसा के कामों के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर उसके सामने आमने सामने बात करा करता था। बहुत सारी गवाहियों के बारे में आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। और जब इसराइलियों की बारी आई परखने की, परमेश्वर ने वो 40 दिन का सफर 40 साल में बदल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानना चाहता था कि उनके मन में है क्या, कि उनके मन में क्या है, कि परमेश्वर ने उनको घटी में भी अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट चीजें खिलाई, उनको बटेरे खिलाई, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। जिस मन्ने के लिए आज तक हम तरसते हैं, वो मन्ना परमेश्वर ने स्वर्ग से उन लोगों को खिलाया इसराइली को। फिर भी उनका कुटकुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद नहीं हुआ था। स्वर्गीय परमेश्वर की निंदा की और परमेश्वर को इस बात पर क्रोध आया। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ और परमेश्वर ने जब उनको परखा तो वो खरे नहीं निकल पाए थे, क्योंकि उस प्रतिज्ञा के देश में सिर्फ दो ही जने जा पाए थे, एक यहोशू और एक कालेब। आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने जब 25 लाख से ज्यादा इसराइली को जब परखा तो कैसी कैसी बातें होती थी। परमेश्वर ने उनको चंगा भी किया, आशीष भी दी, उनकी जरूरतों को पूरा किया, किसी को भूखे नहीं मरने दिया, उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए, उनके चप्पल तक नहीं फटने दिए, उनके जूते तक नहीं घिसने दिए, और उनके उम्र के साथ साथ उनके कपड़े भी बड़े होते गए और उनकी चप्पलें भी बड़े होती गई, और उनके बच्चों तक का खान पान का इंतजाम किया, किसी एक को भी भूखकर नहीं मरने दिया। इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष किया, अपने पंखों में संभाल कर रखा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर के साथ क्या किया, लिखा है कि तुमने जंगल में मेरे साथ बलवा किया। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने नहीं किया, ये मनुष्य की मजदूरी थी। क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इंसान पाप कर रहा था, पाप पे पाप करके बुराई करके, दोष लगा के, कमी निकाल के, अपने खुदा के अगेंस्ट में खड़े होकर इतना सब कुछ वो कर रहा था, फिर भी उसके विरुद्ध में खड़े होकर अपने बहुत छोटे सफर को बहुत बड़ा कर लिया और सताव सहा। और परमेश्वर जानना चाहता था कि उनके मन में है क्या। अब कहने का मतलब ये है, जैसे एज एन एग्जांपल, अगर आपके पास एक कोलगेट है, आप कोलगेट को अगर आप प्रेस करोगे, अगर आप उसको दबाओगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, कोलगेट ही निकलेगा। तो यही चीज़ है, जब इन लोगों के ऊपर, जब आप लोगों के ऊपर कोई प्रकार का प्रेशर आता है तो उस समय आपके अंदर से क्या निकलता है। वचन कहता है कि मन के भंडार में जो रहता है ना, वही मुख से निकलता है। अब जब दुख के समय में कोई हमें सताता है, परेशान करता है, जब घटी के समय में कोई दुख देता है, समस्या में, कोई परेशानी में अगर कोई हमें सताता है, कोई उंगली उठाता है, अगर हम किसी प्रकार से, किसी भी शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक या सांसारिक रूप से किसी स्ट्रेस में या परेशानी में होते थे, तो अगर उस समय कोई हमें दबाता है या दुख देता है, कोई प्रेशर डालता है या कोई बुरा भला कहता है, तो उस समय हमारे अंदर से क्या निकलता है, या कोई हाथ उठाता है या कोई दिल दुखाता है, सही होने के बाद भी अगर कोई उंगली उठाता है तो उस समय हमारे अंदर से क्या निकलता है। यही तो मेन चीज़ है, यही तो देखना चाहता है परमेश्वर कि दुख के समय में तुम्हारे अंदर से क्या निकलता है। आयुब के अंदर से सिर्फ परमेश्वर की भलाई और उसका धन्यवाद निकला था। और हमारे अंदर से क्या निकलता है कि तू ऐसा, तू वैसा, तेरे साथ ऐसा हो, तेरे साथ वैसा हो, मैं अच्छा हूँ, तू बुरा है, दोष लगाना, बुराई करना, गमी निकालना, गाली गलौज करना, या बिल्कुल ना सहना। क्योंकि लिखा है कि सहना परमेश्वर को भाता है। अगर हम सही होने के कारण अगर उसकी सहते हैं, अगर सही होने के कारण अगर हम किसी की सहते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। अगर दुख उठाते हैं सही होने के कारण तो ये परमेश्वर को भाता है। अगर हम दोष लगाकर बुराई करके, अगर पाप करके अगर हम सह रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है, ना तो परमेश्वर का, ना तो सामने वाले मनुष्य का, वरन अपना ही घाटा था। तो ऐसी परीक्षाओं को कैसे पहचाने और कैसे पता चले कि हमारी परीक्षा हो रही है और हम चले कैसे, इसमें बने कैसे रहे, इसमें जयवंत कैसे हो। सबसे पहली बात, हमें फास्टिंग में रहने की जरूरत है। क्योंकि लिखा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, क्योंकि शैतान इन चीजों के अंदर परखता है कि चल अपने परमेश्वर के विरोध में निंदा कर, पाप कर, बुराई कर, दोष लगा दे, कितना होने के बाद भी। एक बात का ध्यान रखना, उसने आज तक तुम्हें भूखे नहीं रहने दिया। इस बात का ध्यान रखना, उसने आज तक आपको मरने नहीं दिया, तो क्या वो आगे नहीं संभालेगा। लिखा है जो भला काम उसने आपके जीवन में शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। लेकिन शैतान डराने की और भरमाने की कोशिश करता है, उसकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। परमेश्वर के वचनों को क्लेम करें, अपने मुंह से सिर्फ अपने परमेश्वर के वचन ही की महिमा करें। आपके मुंह से किसी की बुराई ना निकले और ना ही कभी किसी की चुगली निंदा करें और ना ही कभी किसी पर दोष लगाएं। अगर एक दूसरे को दोष देने का कारण है ना, तो एक दूसरे की सह लो, क्योंकि सहना परमेश्वर को भाता है और सहना मसीह का स्वभाव है। और आप और मैं उसकी संतानें हैं और हमें उसके अनुसार करना है, उसके गुणों को प्रकट करना है। अगर हम सहते नहीं है तो हम मसीह नहीं है, क्योंकि मसीह का मतलब है मसा किया गया और यीशु मसीह ने सहा है, तो हमें भी सहना है। क्योंकि यीशु ने कहा है, उसका वचन कहता है, इन्होंने मुझे भी सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है और तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। जैसे मैं इस संसार में जयवंत रहा, वैसे तुम भी संसार में जयवंत रहो। क्योंकि जैसे मैं इस संसार का नहीं, वैसे तुम भी इस संसार के नहीं। हम इस संसार के नहीं है, हम पृथ्वी पर परदेशी हैं, हम स्वर्ग के हैं। इस बात का ध्यान रखना, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे कोई भी सताए, सिर्फ यीशु को याद करना कि उसने क्या किया था ऐसी परिस्थितियों में। और इसके बाद बहुत बड़ा आपके लिए रिवॉर्ड है।
और जब वह आपकी गवाही बनेगी ना, उस गवाही के द्वारा पता नहीं कितने लोगों के आंसू पोंछे जाएंगे। और जब आप परीक्षा में खड़े निकलोगे तो खुदा को आपके ऊपर घमंड होगा, तो आपको वो मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर देगा। और उसका वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, किन के लिए? जो उससे प्रेम रखते हैं। अगर चाहे आपको पता है कि ये सही था, फिर भी अगर आपसे गलत हो गया तो वो भी आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो, अगर प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा को पालन करोगे, ये आज्ञा पालन से प्रकट होगा कि आप कितना प्रेम करते हो। तो बस यही कहना चाहता हूँ। और आयुब के बारे में आपको मालूम होगा, जब आयुब की टेस्टिंग हुई, यहाँ तक कि शैतान ने उसके दोस्तों के द्वारा भरमाने की कोशिश करी कि अब तो अपने परमेश्वर की निंदा कर, अब तो अपने परमेश्वर को विरुद्ध में कुछ बोल, दोष लगा, बुराई कर, कमी निकाल। और जिन लोगों के द्वारा शैतान ने जिन लोगों के द्वारा आयुब को निंदा करने के लिए कहा था, या बुराई करने के लिए, दोष लगाने के लिए, या परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होने के लिए कहा था, जो लोग परमेश्वर के दास की निंदा कर रहे थे, मतलब आयुब की निंदा कर रहे थे, या बहुत सारी ऐसी बातें खड़ी हो गई थी कि आयुब अब तू क्या करेगा, ये है वो है, सो मैनी थिंग्स, सो मो सो बातें, तो ये सारी बातों को लेकर परमेश्वर ने एक चीज़ नोटिस करी। इसमें परमेश्वर ने सिखाया कि जो लोग परमेश्वर के दास की निंदा कर रहे थे, जो दोष लगा रहे थे, जो बुराई कर रहे थे, जो परमेश्वर के दास को ऐसी ऐसी दूसरी दूसरी प्रकार की शिक्षाएं दे रहे थे, या कुछ अलग अलग तरीके से बातें बता रहे थे कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तूने ये किया है, तूने वो किया है, तो उन लोगों की परमेश्वर ने प्रार्थना को नहीं सुना। क्यों? कहने का मतलब यह है, जो भी लोग आपको सता रहे हैं, परमेश्वर उन्हीं को आपके पास लेकर आएगा और उन्हीं के बीच में परमेश्वर आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। और जिन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई है, और जिन्होंने आपका तिरस्कार किया है, बुराई करी है, दोष लगाया है, कमी निकाली है, या आपको परीक्षा के समय बहुत हर्ट किया है, तो वो लोग खुद प्रार्थना कराने के लिए आपको आएंगे। लिखा है 42 अध्याय आयुब का और 7वीं आयत में, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयुब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपस से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बातें मेरे दास आयुब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए, मतलब परमेश्वर ने आयुब के मित्रों से कहा कि अब तुम जाओ, मेरे दास आयुब के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, जब मैं प्रार्थना उसकी सुनकर, जब मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, जब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, जब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे दास से ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो ठीक नहीं थी, और तुम मेरे दास के पास जाओ, तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास आयुब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज शूही और बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने आयुब की प्रार्थना ग्रहण की। लिखा है 10वीं आयत में, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मतलब जिन लोगों ने आयुब के ऊपर उंगली उठाई थी, उन आयुब को परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में सदा के घमंड का कारण ठहराया। जिन लोगों ने उंगली उठाई थी वो खुद प्रार्थना कराने के लिए आए। और दूसरी बात, परमेश्वर ने आयुब को वो दिया जो उसने खोया था ना, उससे बढ़कर कई गुना उसको दो गुना दे दिया परमेश्वर ने। और उसके बारे में बहुत सारी बातें परमेश्वर ने, बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, परमेश्वर ने स्वयं अपने दास की गवाही दी है। लिखा है, यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। मतलब जिसके पास ये सारे होते थे ना, ये भेड़ बकरियां पशु होते थे, तो वो बहुत बड़ा राजा और बहुत अमीर होता था, उसका नाम चलता था। और लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। मतलब परमेश्वर ने उसको अच्छे बेटे और अच्छी बेटियां दी, यहाँ तक कि इतनी सुंदर उसकी बेटियां थी। लिखा है, उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो आयुब की बेटियों के समान सुंदर हो। मतलब परमेश्वर ने उसको बहुत ऐसे आशीषित किया। तो बस अब यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी परीक्षा है, परमेश्वर आपको अगर परख रहा है, तो परमेश्वर आपको उस परीक्षा में से निकास भी कराएगा। अगर चाहे परिस्थिति आपकी गलत हो भी गई थी, तो वो सारी बातें भी आपके लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। और अगर आपने परमेश्वर के वचन का चुनाव करके रखा है, और उसके वचन को नहीं छोड़ोगे, और परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करने में लगे हो, चाहे सहरे हो, सही होने के बाद भी सहरे हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। वो खुदावन आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। उसका वचन कहता है, देख मैंने तेरे आंसू को देखा है, और तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा है, देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा। और उसका वचन कहता है, मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। तो बस हमें चुप्पी लगानी है, हर बात में उसका धन्यवाद करना है, और पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है, और वही हमें डिसीजन लेना है जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है, और अपने पापों की क्षमा मांगनी है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर। यदि हमारी पापों के कारण अगर हम परीक्षा में फंसे, तो हमारे उन पापों को क्षमा कर जिस कारण हम परीक्षा में फंसे हैं। प्रभु में जय दिला,
और प्रभु हमें इस टेस्ट को, इस परीक्षा को दोबारा ना देना पड़े। प्रभु इस परीक्षा में हमें स्थिर कर, मजबूत कर और हमें बेस्ट कर, और हम शारीरिक और आत्मिक और आर्थिक और सांसारिक रूप से हर प्रकार के टेस्ट में हम फर्स्ट आएं और हम इनाम पाएं, वो इनाम पाएं जो तू हमें देता है। और हमें ऐसी कोई आशीष नहीं चाहिए जो हमें तुझसे, तेरे प्रेम से, तेरे अनंतकाल के जीवन से दूर करें, या तेरी आंखों के आंखों में आंसू लेकर आए, या हमें तुझसे दूर करें। हमें प्रभु वही दे जो तेरी दृष्टि में भला है, जो तेरी नज़र में हमारे लिए, हम सबके लिए भला है और हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। वो सच में कहता है कि दृढ़ हो और मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ।